TFS, vakar ne rush maar diya TFS, vakar let's see. और बेहतरीन किस्म का FTC Reaper नॉकआउट होके फिनिश कर दिया है FTC Reaper. D4D Titan Brief for the Groza. AK-47 Clown. Okay. B4D Dante को निकाल दिया है AK-47. AK-47 Clown ने यहाँ पे क्या प्यारी प्यारी बातें चल रही है. जरा हमें भी देखने दो. ओके मुझे लगा यहाँ पे प्यारी प्यारी बातें हो रही है लेकिन यहाँ पे हमें देखना होगा. यहाँ पे B40 शेडो में नॉकआउट हो चुके हैं 147 का. तो यहाँ पे पीछे से IS के आमिर कुछ कर पाते नहीं. यहाँ पे व्हाट द फक ही इज डूइंग राइट नाउ. IS के आमिर आर यू इवन. चल मेरा पुत्र तू छुट्टी कर. तू कर गया भाई इधर. हाँ ये है TFS सिम्बा. यहाँ पे सिम्बा नॉकआउट पड़े. यहाँ पे एक और नॉक हो गए हैं TFS सिम्बा के साथ. SPN डेड शॉट भी नॉक हो चुके जो M24 से बड़ी तबाही मचा रहे थे. यहाँ पे TFS वकार क्या कर रहे हैं. TFS वकार यहाँ पे पीछे है. एक्सेस साले मारने के फिनिशर मारा है. यहाँ पे TFS सपोर्ट कुछ कर पाएंगे फोर मैन स्क्वाड के खिलाफ. आई डोंट थिंक सो. यहाँ पे फोर मैन स्क्वाड के खिलाफ ये इन्होंने कुछ कर लेना है. TFS वकार यहाँ पे अंदर चार्ज करते हुए सीढ़ी ऊपर ऑलरेडी इनके लिए सरप्राइज अटैक मौजूद है. TFS वकार यहाँ पे लॉक हो चुके हैं. क्या यहाँ पे सपोर्ट कुछ कर पाएंगे कि नहीं. यहाँ पे टू मैन डाउन कर चुके राइजन. यहाँ पे बचे हुए क्या राइजन को नॉकआउट करेंगे कि नहीं. यहाँ पे राइजन करो. ओह माय गॉड यहाँ पे 1v4 की सिचुएशन संभाली है TFS सबूर ने. TFS सबूर जीजी इन द चैट सुपर जीजी इन द चैट ओपी इन द चैट. MR सैफी को लगता है स्पॉट कर लिया बहुत ही दूर से. यहाँ पे 1-1 टैप शॉट दी जा रहे हैं. क्या ये 1-1 टैप शॉट कनेक्ट होते हैं कि नहीं. लेट्स सी GMX स्क्वाड यहाँ पे 1-1 टैप शॉट मार रहे हैं. ओह माय गॉड यहाँ पे वेब स्टैक ने स्पॉट आउट करके यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन किस्म का स्प्रे ट्रांसफर किया. यहाँ पे अगर स्मोक वगैरह ना किए गए तो दबाई हो सकती है. ओके वेब्स डेथ ने यहाँ पे स्पॉट. अगर यहाँ पे एलन वाले यहाँ पे ओ माय गॉड बचता सीधा बॉम्ब गिरा है आसमान से जमीन पर और जमीन में नॉक हो चुके हैं हमारे DXP स्पेशल. पिछली बार भी जोन से नॉक हो गए थे इनके साथ ही. वैसे ना ओपी किस्म का जोन आया था DXP मोदी दोबारा नॉक. DXP इस बार थी और कोई नहीं DXP मोदी नॉक हुए. ओके यहाँ पे जोन बड़ा स्पीड में काट रहा है. इन्होंने किसको अपने फिस को बहुत ही बेहतर इन किस्म के मिनी चला रहे हैं. PR कार्तूस ने पंगा ले लिया है फजूल में पंगा लिया है. ओके BR कार्तूस स्पॉट हो चुके. देखते हैं कि कैसे रिस्पॉन्स देते. यहाँ पे हमारे फिस्को भाई के शॉट्स मिस हो गए हैं. यहाँ पे ज्यादा हिल नहीं बची. बेहतरीन किस्म का नेड है. अगर टाइम पे लग गया तो बेहतरीन डैमेज हो सकता है. यहाँ पे कारतूस को वेब से फिनिश कर दिया है. वहाँ पे MR वाले ट्रू लव वाले निकल चुके हैं. एलन यहाँ पे मूव ऑलरेडी कर चुके हैं. ग्रोज़र डांटे को फिनिश कर दिया है. यहाँ पे अगर टाइम से मूव करके अंदर ना आए तो यहाँ पे वेब्स वालों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है. पीछे से DS वाले है ऊपर फहीम वाले है सामने. ओह माय गॉड फहीम साथ यहाँ पे बहुत फहीम असैसिन ने भी बहुत तबाही मचा ली है. वेब्स ओके अपनी ही टीम को उसने फिनिश कर दिया गाड़ी के ब्लास्ट से. ओके यहाँ पे वेब्स डीसी निंजा ने वेब्स स्लेंडर का भी चिकन तंदूरी बना के रख दिया है. टीम फहीम इस वक्त जोन से बाहर है लेकिन टीम फहीम इजली कम बैक कर सकती है जोन के अंदर. यहाँ पे डीसी निंजा लेटे हुए एच के साथ. पीछे MR वालों का क्लैन बहुत ज्यादा गंदी पोजिशनिंग के अंदर. This is the chilling right now. Four man squad right now. EEC one man squad.
Team two, Team Allen, two-man squad, AK-47, one-man squad. Team Fahim is a four-man squad. यहाँ पे DC वालों ने बहुत ही जबरदस्त ज्यादा स्प्रे दी थी और True Love को स्पेक्टेक्टर दी थी. True Love is what happened. Let's see, I think True Love now, there is someone. Is there a button? Did he throw a wrong grenade right now? I think he did. He did a really wrong grenade. यहाँ पे True Love को punishment मिली है, तो smoke throw करने चाहिए थे. Smoke वहाँ पे throw किया है और खुद इधर मारे. True Love, what a guy, यार. You are literally bad right now. ये बड़ी गालियाँ पड़ी है. मैं तो बहुत ही ज्यादा सरीन इंसान हूँ. मैंने तो जलालत कर ली है. टीम DC वर्सेस यहाँ पे होने वाला है टीम फाइम. फोर वर्सेस फोर का मुकाबला. यहाँ पे MR सैफी ने बहुत लेट पोजिशन ली है. MR सैफी जोन से जा सकते हैं. यहाँ पे टीम ई से फैलकन यहाँ पे फाइम से पंगा ले रहे हैं. जितना अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, कैंडी लाइक एंड सब्सक्राइब तो यार लाजमी करो. लाइक एंड सब्सक्राइब के अलावा दिल नहीं भरता. टीम फहीम उमर फहीम एसएसएन यार बाकी की टीम किधर गई. टीम बाकी की टीम फहीम यहाँ पे है. जोन के अंदर आ चुकी है टीम फहीम सारी की सारी. एसी पेलकन को डीसी निंजा ने पनिशमेंट दी थी. यहाँ पे फहीम तौहीद के करीब तो जोन बहुत है लेकिन ओपन एरिया है. अगर मूव करते हैं तो पनिश होंगे. फहीम साथ यहाँ पे स्पॉट हो चुके हैं. फहीम साथ ने यहाँ पे किसी को नॉकआउट कर दिया है. हेलमेट कोई नहीं, ये हेलमेट के बगैर है. ओके डीएस फैज को नॉकआउट कर दिया. यहाँ पे एक मिनट है, आराम से रिवाइव होके आराम से आ सकते हैं. डीसी वाले को किस तरह क्लोज आके एक नेट पहनना पड़ेगा. अगर नेट पहन के यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त हो सकते हैं लेकिन आएगा क्लोज फोन. यहाँ पे कोई कवर नहीं, एक ही पेड़ का कवर है डीएस वालों के साथ. वही ओवर ने यहाँ पे क्रॉश को नॉकआउट कर दिया जो कि बहुत ही जबरदस्त स्नाइपिंग कर रहे थे लेकिन उनको पता नहीं था कि आगे वाला भी आई थ्रू डब्ल्यू एम यूज कर रहा है. तू मेरा पुत्र छुट्टी कर. यहाँ पे डीएस नीचा ने स्प्रे दे दिया है वही वालों के ऊपर. वही वालों की जिंदगी यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरे में है. गलत घर पकड़ी हुई. इस पे लॉन्ग रेंज स्प्रे नहीं देते, इस पे ओनली मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज के लिए M760 इस्तेमाल होती है. यहाँ पर रेंज पे इसका रिकॉल बहुत मुश्किल से कंट्रोल होता है. फहीम साथ ने बहुत ही प्यारी पोजीशन पर पकड़ ली है. दोनों साइड से कवर अप करेंगे. फहीम साथ एंड फहीम उमर पोजीशनिंग अभी अच्छी. अगर यहाँ पे नॉक नहीं होना चाहिए. अगर नॉक होगा तो टाई टाई फेल हो जाएगी. दोनों साइड से स्मोक के बबल्स देखने को मिल रहे हैं. अभी देखते हैं कि कौन जोन के अंदर पहले पुश करते हैं. जोन चल पड़ा है. टीम फहीम को मूव करना पड़ेगा. टीम फहीम ने साइड पकड़ ली है. DS वाले मूव कर रहे हैं. यहाँ पे बहुत ही इंटेंस सिचुएशन देखने को मिल रही है. ओके फहीम साथ भी नॉक हो गए. फहीम उमर भी नॉक हो जाएंगे. यहाँ पे फहीम उमर भी नॉक हो चुके. फहीम तौहीद रहते हैं यहाँ पे. DS वालों का एक वन मैन फिनिश है. फहीम तौहीद ने यहाँ पे DS फेस को नॉक कर देते हैं. DS और ज़ाहिर भी नॉक हो चुके. फहीम टू वर्सेस टू की सिचुएशन देखने को मिल रही है. यहाँ पे टू वर्सेस टू की सिचुएशन कैसे संभाल पड़ते हैं. यहाँ पे स्मोक बबल के अंदर वहाँ पे DS वाले कवर के अंदर है. उनके पास पेड़ का कवर है. रिवाइव हो जाएंगे. यहाँ पे जैसे स्मोक के बबल्स खत्म हो गए तो हालत खराब हो जाएगी टीम फहीम के लिए. ओ माय गॉड यहाँ पे दोबारा नॉक हो चुके. फहीम एसएसएन ने नॉक आउट कर दिया है. फहीम एसएसएन ने डीएस सुजैर को नॉक कर दिया. डीसी निंजा बचे. वहां पे टीम फहीम तौहीद दोबारा रिवाइव हो जाएंगे. इसलिए 3-2 की सिचुएशन हो जाएगी. और ये चिकन निकलता है टीम फहीम के हाथों. बहुत ही बेहतरीन वेरी नाइस टीम पिन शॉट ले लिया है. पहला फर्स्ट कंटिन्यू करेंगे. यहाँ पे हमारा मैच खत्म हो चुका है.